धरती पर हो रहे असामान्य बदलाव कई बार पक्षियों को भी भटका देते हैं। कई बार तो हमें ऐसे पक्षी या जानवर शहरों में देखने को मिल जाते हैं जो कभी नजर ही नहीं आते या हम जिन्हें विलुप्त मान लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो कानपुर का वायरल हो रहा है जिसमें हिमालय की बर्फीली चोटियों में पाया जाने वाला गिद्ध नजर आ रहा है। इसे देखते ही लोग वीडियो बनाने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुर्लभ गिद्ध की लंबाई इतनी ज्यादा है कि पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि ये जटायु कहां से आ गए। आपको बता दें कि यह एक विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध है जो कानपुर के कर्नलगंज के ईदगाह कब्रिस्तान में मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक दो दिन नहीं करीब एक हफ्ते से यह इस इलाके में है। 6-6 फीट लंबे पंखों वाले इस विशाल काय पक्षी को ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के युवक ने अन्य 5 लोगों के साथ मिलकर बड़ी चादर तान कर पकड़ा। तब से इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हालांकि अब इसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है। वन विभाग ने इस गिद्ध को चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया है जहां इसे क्वारंटाइन किया गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी दुर्लभ प्रजाति का यह गिद्ध आखिर आया कहां से था। इस दौरान उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां गिद्ध का एक जोड़ा था, एक गिद्ध मौके से उड़ गया। बताया जा रहा है कि यह एक हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध है जो ज्यादातर तिब्बती पठार के हिमालय में पाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयन गिद्ध ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं जो 1200 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर देश से लेकर पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान और तिब्बत में नजर आते हैं। 1990 के दशक के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की आबादी कम हो गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक के बाद से गिद्धों की संख्या में 99% से अधिक की गिरावट आई है। ANI ने यह वीडियो जारी किया है। उसके बाद सैकड़ों इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आने लगे हैं। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गिद्ध के बड़े बड़े पंखों और उसकी खूबसूरती को बखूबी बयां कर रहे हैं। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।